तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था ब्लड क्या है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और इसके फंक्शन क्या क्या हैं। क्विक रिविज़न कर लें, तो ब्लड क्या था, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू जो कि क्या करता था, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वेस्ट मटेरियल का क्या करता था, ट्रांसपोर्टेशन करता था। ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड थे, इसके कंपोनेंट्स में प्लाज्मा था, ठीक है, प्लाज्मा था, WBCs थी, ठीक है, और क्या था, RBCs और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये इसके क्या थे, मेन कंपोनेंट्स थे। ठीक है, और इनका अलग अलग क्या था, इसमें क्या था, परसेंटेज था ब्लड के पूरे 100% कंपोनेंट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन में हमने ये देखा था, फंक्शन में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में अगर बोले तो फिर ये क्या करता है, इसके पास होता है WBC। WBC क्या है, सोल्जर ऑफ बॉडी है। फिर इसके बाद इम्यून सिस्टम के बाद ये क्या करता था, होम्योस्टेसिस का काम करता था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये इंटरनल टेम्परेचर को क्या करता था, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है होमियोस्टेसिस। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या करता था ब्लड, ब्लड का और क्या फंक्शन था। अब ये देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इसमें किसका करता था, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो भी कहाँ, वेस्ट प्रोडक्ट का कहाँ करता है, कहाँ पहुँचाता है उसको, किडनी के पास। ठीक है, ये थी इसके कुछ, ये था ब्लड का, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, रेड कलर का होता है। और यहाँ देखिए एक चीज़ ये पूछने वाली, मतलब बताने वाली चीज़ है और जानने वाली चीज़ है, RBCs क्या है, RBC के पास होता है क्या, हेमोग्लोबिन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, ठीक, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक, ये क्या था ओवरऑल आपका क्विक रिवीजन था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। और एक चीज़ आपको मैंने ये भी बताया था, जो ब्लड है ये फ्लो करती है किस में, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के बारे में बता दें, तो ब्लड वेसल्स आपकी देखिए तीन प्रकार की थी, मतलब तीन इन्वॉल्व है, तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। पहला क्या था, आर्टरी, ठीक है, और दूसरा क्या था, वेन, और तीसरा कैपिलरी। तो पीछे की वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो आर्टरी है ये हमेशा क्या होती है, थिक होती है एज कंपेयर टू वेन। ठीक, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक जंक्शन होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिलरीज। ठीक है, और यही कैपिलरी एक ऐसा जगह है, ऐसा स्पॉट है जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, वेस्ट मटेरियल का हो गया, यूज़फुल मटेरियल का हो गया, या फिर ऑक्सीजन CO2 का हो गया, फिर न्यूट्रिएंट्स का हो गया, ये सब कहाँ होता है एक्सचेंज, कैपिलरीज के पास। ठीक है, ठीक, तो ये अब तक के वीडियो में हमने देखा था। ठीक, अब हम लोग देखने वाले सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोमिनेंट ऑर्गन इन्वॉल्व है तो वो है हार्ट। क्या, ह्यूमन हार्ट। आपने देखा होगा कि हार्ट जो है हमेशा, जब से कोई भी बर्थ लिया है, जब से किसी का जन्म हुआ होता है, तब से हार्ट क्या कर रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है ना। अब वो कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहा होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में रोल है। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं पंप करते रहता। देखिए,
हार्ट पंप कर रहा होता है। क्यों पंप कर रहा होता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन क्या करना होता है, बॉडी के हर एक ऑर्गन के पास पहुंचाना होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के हेल्प से। तो इसी बीच क्या हुआ कि जो हार्ट है, हार्ट को पोजीशन दिया गया, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो आपको मैंने पीछे की वीडियो में बताया था, कि ह्यूमन बॉडी को एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, बोलते हैं। और ये क्या करती है, ह्यूमन बॉडी को दो रीजन बांटती है। तो डायफ्राम के नीचे वाला रीजन क्या है, एब्डोमेन, कैविटी, और ऊपर वाला क्या है, थोरैसिक, है ना। तो देखिए हार्ट का पोजीशन अब कहाँ होगा, हार्ट का पोजीशन होगा थोरैसिक रीजन में, ठीक है। अब हार्ट का डायग्राम आपकी बुक में जैसे है वो बना दें। देखिए हार्ट क्या है, हार्ट को हम लोग ऐसे समझते हैं कि हार्ट का डायग्राम ऐसे है। तो ये वाला डायग्राम किताबों पे नहीं अच्छी लगती, ये व्हाट्सएप के इमोजीज में या फिर कुछ यूथ लोग हैं उसको, मतलब ये वाला इमोजी या फिर ये वाला डायग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में ऐसा हार्ट नहीं होता, साइंस की भाषा में जो ह्यूमन फिस्ट होता है, इसके आकार का क्या होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है। ठीक, ह्यूमन हार्ट कहाँ होता है, थोरैसिक कैविटी में, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे बनाते हैं हार्ट का डायग्राम, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हार्ट जो है, जैसे कि हमारा पूरा ऑर्गन क्या सेल से मिलके बना है, वैसे ही हार्ट भी सेल से ही मिलके बना है। और आपने क्लास नाइन्थ में कार्डियक मसल का नाम सुना होगा, क्लास नाइन्थ में आप जब टिश्यू पढ़ रहे होंगे तो कार्डिक मसल्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। देखिए हार्ट को हम लोग कार्डिक का भी नाम देते, ठीक। तो पहले हार्ट का डायग्राम बना दें, ठीक है। ये हार्ट कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। ठीक, अब इसके बारे में लिखते हैं ना। देखिए अब ये क्या है कि इसमें इन्वॉल्व रहेंगे आपके क्या, देखिए सबसे पहले कि इसका पोजीशन देख लें, इसका पोजीशन कहाँ था, थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। फिर ये प्रोटेक्ट किया, मतलब ये प्रोटेक्ट होता है किससे, प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। इसे ये किससे प्रोटेक्टेड हुआ होता है, इसके पीछे क्या है, रिब केज होती है, ठीक है। इसके ये चारों तरफ से किससे घिरा होता है, रिब केज से घिरा होता है, ठीक है। मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल्स मिलके बना होता है। ये सेल है कार्डियक फाइबर, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब पोजीशन हो गया, प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट इसको कौन करता है, रिबकेज प्रोटेक्ट करता है। फिर ये मेड अप होता है, किससे मेड अप होता है, कार्डियक मसल से, और कार्डियक मसल किससे बने होते हैं, कौन से सेल से, कार्डियक फाइबर से, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये इसका जो ये जैसे देखिए, अब ये ऐसे तो मतलब जैसे क्या बॉडी है, रिबकेज में ऐसे डायरेक्ट डाल नहीं दिया गया, ठीक है। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड तो हम लोग ये देख रहे थे, हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन से क्या होती है, कवर्ड होती है, ठीक है। जैसे ये हार्ट है तो फिर यहाँ पे क्या है कि एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम लोग नाम देंगे पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक, और इस मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड भरा होगा, ठीक, और उस फ्लूइड का नाम है
पेरिकार्डियक फ्लूइड, ठीक है। अब यही पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन में है तो किसमें भरा रहे, इसके इस मेम्ब्रेन में कौन सा फ्लूइड भरा रहेगा, पेरिकार्डियक फ्लूइड, ठीक। अब ये क्या करता क्या है, पेरिकार्डियक फ्लूइड क्या करता है, पेरिकार्डियक फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है, देखिए रिब केज तो फिजिकल हार्म से प्रोटेक्ट करता है, जैसे इस पर अगर कहीं टक्कर लग जाए तो हार्ट क्या हो डैमेज ना हो, लेकिन उसी तरह ये जो फ्लूइड है ये प्रोटेक्शन देता है किससे, जर्क और शॉक से, जर्क एंड शॉक, मतलब ये झटके से क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हार्ट जो है डिवाइडेड है फोर चैम्बर में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में या फिर वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट है डिवाइडेड इन फोर चैम्बर, ठीक है, इसको दो चैम्बर में डिवाइड, सॉरी चार चैम्बर में डिवाइड किया गया है, और इसके दो पार्ट है, ठीक है, जो अपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल, ऑरिकल, ठीक है, एट्रिया भी बोलते हैं, एट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, और इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब ये देखिए, ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल, ठीक। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक लाइन होती है जो कि हार्ट को लॉन्गिट्यूडली डिवाइड करती है, जिसका नाम है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेप्टा, इसको नाम क्या देते हैं, सेप्टा, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए, ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं वेल्व्स, ठीक, और इन वेल्व्स का नाम है ये देखिए, एक दो तीन, यहाँ पे वेल्स मतलब गेट है, ठीक है, तो यहाँ पे तीन गेट हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, और यहाँ पे दो गेट हैं, ठीक, तो हम लोग इसको नाम देते हैं बाइकस्पिड, यहाँ पे हम लोग नाम क्या देते हैं, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। तो ये देखिए, एक दो तीन चार, चार चैम्बर में डिवाइड हो गया, ठीक। तो अब देखिए, जो देखिए, अब मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ तो मेरे सामने जो मेरा राइट है और यहाँ पे जो इसका राइट होना चाहिए, मतलब मेरे राइट के सामने वाला जो है वो लेफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये इसका अपोजिट राइट ऑरिकल, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ अगर हम लोग वेंट्रिकल पे आ जाए तो सेम कंडीशन, यहाँ पे भी राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया हमने चार चैम्बर में। अब इसके बाद, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो हर्ट का राइट वाला साइड है, हर्ट का राइट वाला साइड है ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे हमेशा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस ब्लड में ऑक्सीजन पुअरली प्रेजेंट होगा, ठीक है, एकदम पुअरली प्रेजेंट होगा, मान के चलिए कि बहुत थोड़े से मात्रा में फिर नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो राइट वाले रीजन है ये और ये, यहाँ पे हमेशा कैसा ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे जो केस रहेगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट रहेगा, हमेशा आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। जब क्या होगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल के पास पूरे बॉडी से ट्रेवल करके आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा, लंग से जो है गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आएगा, लेफ्ट ऑरिकल के पास, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, फिर पूरे बॉडी में, ठीक है, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक। आपको उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा, इतने धीरे धीरे हमने क्या किया, हर्ट के बारे में देखा, फिर उसके बाद हर्ट के चैम्बर को हमने बांटा, ठीक है। आप लोग इसमें कभी कंफ्यूज मत होएगा, ये बीच में जो लॉन्गिट्यूडली डिवाइड करती है इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टा, ठीक है।
और इधर राइट ऑरिकल, इधर लेफ्ट ऑरिकल, ऊपर वाला हिस्सा ऑरिकल होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखिए एक वेल्व प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक। और ये क्या करती हैं, मतलब ब्लड को रिवर्स ना, ये जो यहाँ राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो ये रिवर्स ना जाए उसको रोकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी बाइकस्पिड वेल्व, ये भी क्या करती है, ब्लड रिवर्स ना जाए इसलिए उसको रोकते हैं, ठीक है। ठीक, ये कवर क्लियर हो गया आपका, ठीक। अब आगे की वीडियो, अभी आगे के टॉपिक हम ये कवर करते हैं कि पाथवे क्या होता है और क्या क्या और भी है हार्ट में, ठीक है। तो ठीक है, देखिए अभी जो हम देखने वाले हैं इसमें, अभी हमने वेल्व के बारे में देखा कि ठीक है ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व है, लेकिन अभी दो वेल्व और बची हैं, ठीक है, दो वेल्व और बची हैं। देखिए हार्ट अकेले तो काम नहीं करेगा, हार्ट के साथ और भी तो ब्लड के कंपोनेंट चाहिए। अब उस ब्लड के कंपोनेंट में अब हार्ट से कनेक्टेड होती हैं कुछ पाइपें, ठीक है, और वो पाइप है आर्टरी और वेंस। आप सबको भी पता है कि हार्ट ब्लड जो है हमेशा वेंस में, ब्लड वेसल्स में क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए चार चैम्बर के बारे में बात हो गया, अब यहाँ पे वेल्व्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, वेल्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दो वेल्व्स के बारे में भी हमने बात कर लिया, पहला है ट्राइकस्पिड वेल्व, दूसरा था बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। अब तीसरा देखिए, अब ये जो तीन है, ये तीसरा और चौथा जो आएगा ये आपका ब्लड वेसल्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, अब इनका रिलेशन ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो आपका आएगा पहला सेमिल्यूनर पल्मोनरी वेल्व, ठीक है, सेमिल्यूनर पल्मोनरी वेल्व, ठीक। और चौथा आएगा सेमिल्यूनर ऑर्टिक वेल्व। देखिए अब पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, लंग्स मतलब कि यहाँ देखिए क्या होगा, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वेल्व। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ब्लड आया आपका राइट ऑरिकल में, फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। तो अब ये पाइप के हेल्प से जाएगा कहाँ, लंग्स के पास, ठीक है। तो अब जब ये लंग्स के पास जा रहा है तो यहाँ पे पल्मोनरी मैंने मतलब पल्मोनरी मतलब मैंने अभी बताया कि होता है लंग्स, ठीक है, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। तो यहाँ से ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे प्रेजेंट होगा वेल्व, ठीक है, ये वेल्व प्रेजेंट है, और यहाँ से आपका पल्मोनरी वेन जाएगा किसके पास, यहाँ से पल्मोनरी वेल्व जाएगा किसके पास, लंग्स के पास, ठीक है, ठीक। और इस वेल्व को हम क्या नाम देंगे, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। अब वही दूसरी तरफ सेमी ऑर्टिक वेल्व का क्या मतलब हुआ, सेमी ऑर्टिक वेल्व का ये मतलब हुआ कि अब जैसे ही लंग्स के पास से, जैसे ही लंग्स के पास से गैसेस का एक्सचेंज होकर आएगा तो पल्मोनरी वेन जो है आएगी और ये खुलेगी कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, ये खुलेगी कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ से ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल से, आएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो गेट है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जैसे ही आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है कि इससे जो पाइप निकलेगी ये कहाँ जाएगी, पूरे ब्लड को लेकर के, ये पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, होल बॉडी में, ठीक है, ये होल बॉडी में लेके जाएगी, ठीक। तो अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी सिंपली वे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आज सर्कुलेशन पूरा ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। तो सेमिल्यूनर क्या हुआ, ये क्या हुआ, किस किस के बीच में हुआ, देखिए राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का वेल्व है, तो ये लिख देते हम लोग राइट वेंट्रिकल, ठीक है,
वेल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वही दूसरी तरफ सेमिलुना ऑर्टिक का क्या है, ऑर्टिक का क्या है रिलेशन? अब ये देखिए, ये प्रेजेंट है वेल्व प्रेजेंट बिटवीन किसके किसके बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में, ठीक है। ये ऑर्टा है आपका, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा, ठीक। तो ये हमने क्या कर लिया, वेल्व के बारे में देख लिया और चार चैम्बर के बारे में देख लिया, ठीक है। और ये जो सेप्टा है ये डिवाइड करता है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल को, राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को, कहीं ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सचर ना हो जाए, इसलिए ये बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देख लेते थोड़ा पाथवे, ठीक है। तो इसी बीच में आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के हर्ट होते हैं, मतलब अलग अलग चैम्बर के हर्ट होते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया गया एम्फीबियंस का, कुछ एम्फीबियंस हैं उनमें क्या होता है, थ्री चैम्बर हर्ट होता है, ठीक है। कुछ एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर हर्ट होता है। देखिए क्या होता है ना कि ह्यूमन बींग का बॉडी क्या है, मल्टी फंक्शनल है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन इसमें एक साथ हो रहे होते, ठीक। तो इस फंक्शन को करने के लिए ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग का ब्लड अगर फोर चैम्बर में नहीं होगा, ठीक, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक। तो जब ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे तो इसके लिए अब एक और अलग से कोई सिस्टम नेचर हम लोग के अंदर फिट करती, जो कि क्या करता, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या करता, ब्लड से क्या करता, वो सेपरेट करता है ना। तो बॉडी का एक और फंक्शन ना बढ़े, ठीक है, बॉडी का एक और फंक्शन ना बढ़े, एक और सिस्टम बॉडी में ना पड़े, इसलिए नेचर ने हम लोग के हर्ट को ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। हर्ट को ही क्या कर दिया, इसने डिवाइड कर दिया और इसने हर्ट, हमारे हर्ट को फोर चैम्बर का बना दिया, ठीक। जिसमें क्या, सबसे पहले उसने ये किया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले इन लोग का मिले ना, ठीक। जिससे क्या होगा कि ब्लड का सप्लाई तो जल्दी जल्दी होगा ही, ठीक, और जो ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में क्यों होती है, एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। आपने रेस्पिरेशन में देखा कि ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करता था एटीपी के सिंथेसिस में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो बॉडी है ये फोर चैम्बर का है, कि बॉडी की नीड जो है एनर्जी की सबसे बहुत ही ज़्यादा है, मतलब और एनिमल के कंपैरिजन में, एम्फीबियंस के, एम्फीबियन हो गए या फिर फिश हो गए, इनके कंपैरिजन में ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी, बर्ड्स, इन सब में क्या है, इनको इनके बॉडी को ज़्यादा फंक्शन करना होता है और इनको ज़्यादा एटीपी की नीड होती है। तो जितनी जल्दी ब्लड का सप्लाई होगा उतनी जल्दी क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, आप लोग उसको एक बार चेक, मतलब पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सर्कुलेशन के बारे, सर्कुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्कुलेशन में हम लोग पाथवे भी देखेंगे, ठीक। तो ये हार्ट है, ये जो वेंट्रिकल है ना हमेशा ऑरिकल से बड़ा रहेगा और इसकी वॉल जो है थिक रहेगी, ठीक है, मोटी रहेगी इसकी वॉल, ठीक, क्योंकि जो लास्ट में ब्लड का सप्लाई है ना, जिस फोर्स के साथ जितना फंक्शन ये करता है ना, जिस प्रेशर के साथ ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, इसकी वॉल अगर थिक नहीं रहेगी तो हर्ट हमारा क्या होता है, फट भी सकता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, थिक होता है, ठीक। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा बहुत ही सिंपल डायग्राम बनेगा, और यहाँ पे हम बना देते हैं लंग्स, ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं लंग्स, ठीक है, ये आपका है लंग्स, ठीक है, ये आपका है लंग्स, ठीक।
और फिर यहाँ पे हम बना देते ह्यूमन बॉडी, यही बना देते ह्यूमन, लिख देते ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो मैंने बताया था ब्लड का जो राइट साइड है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, तो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लैक कलर से बनाएंगे, ठीक है, ब्लैक मार्कर से लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का सिंथेसिस हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन बॉडी के सेल ने यूज़ किया, ठीक। अब उससे बॉडी से क्या रिलीज हुआ, CO2, ठीक है, क्या रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ। तो अब बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से जब CO2 रिलीज हुआ, तो ये सबसे पहले जाएगा एक पाइप के थ्रू, कहाँ पे, राइट ऑरिकल में, ठीक है, कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में। यहाँ क्या होगा, इस पाइप को हम लोग नाम देंगे, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में ट्रेवल करती है, वेंस में, किस में, वेंस में, ठीक है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी को हम दो रीजन में बांटेंगे, ठीक, एक अपर रीजन और एक लोअर रीजन, ठीक है, एक अपर रीजन ये थोरेसिक कैविटी के ऊपर वाला रीजन और एक थोरेसिक कैविटी के नीचे वाला रीजन, ठीक। तो जो वेंस नीचे से आएंगी, जो वेंस नीचे से आएंगी उसको हम लोग बोलेंगे इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फीरियर वेना कावा। जो वेंस नीचे से आएंगे, ठीक है, जो वेंस नीचे से आएंगी उसको हम लोग बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा, और जो वेंस ऊपर से आएंगी, मतलब जो वेंस ऊपर से आएंगी इसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो अब ये दोनों का मिक्सअप कहाँ होगा, जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये वेना कावा है, ये नीचे से आया और ये एक ब्लड ऊपर से आया, ये अपर बॉडी से आया और ये लोअर बॉडी से आया, ठीक है। तो ये ओपन कहाँ हुआ, ये ओवरऑल ओपन कहाँ हुआ, वेना कावा में, ठीक, और ये वेना कावा ओपन कहाँ हुआ, राइट ऑरिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CO2 है, यहाँ पे CO2 है, ऑक्सीजन बहुत ही पुअर मात्रा में यहाँ पे। तो अब राइट ऑरिकल में क्या होगा, कि राइट ऑरिकल में होगा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑरिकल में होगा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे जो ब्लड भरी है, CO2 रिच जो ब्लड है, वो ये वेल्व के सहारे कहाँ पर आ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आ जाएंगे, ठीक। तो अभी ये क्या हुआ था, अभी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो CO2 कहाँ चले गए, वेंट्रिकल में, ठीक। अब जैसे ही वेंट्रिकल में आएगा, जैसे ही ये वेंट्रिकल में आएगा CO2, ठीक है, ये स्टेप टू है, ठीक है, और ये स्टेप फर्स्ट है। जैसे ही वेंट्रिकल में आया, तो अब वेंट्रिकल में आएगा तो रुकेगा नहीं, वेंट्रिकल क्या करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये फूला, ठीक है, और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स, जब ये रिलैक्स मोशन में आएगा तो ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स मोशन में आएगा, थोड़ा सा क्या होगा, स्प्रेड करेगा, स्प्रेड करेगा तो ये CO2 कहाँ गया, नीचे आएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ CO2 इसके पास है, वेंट्रिकल के पास, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये CO2 कहाँ जाएगा, CO2 आपका जाएगा पल्मोनरी। देखिए, मैंने बताया था कि लंग्स मतलब होता है पल्मोनरी, पल्मोन होता है, ठीक है। तो अब आर्टरी जो है, नॉर्मल आर्टरी ऑक्सीजन क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है, कैरी करती है, लेकिन लंग्स के केस में अपोजिट हो जाएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करेगी, कि ये CO2 को लेके जाएगी, ठीक है, ये CO2 को लेके जाएगी, ठीक। यहाँ पे CO2 आया और यहाँ पे दोनों लंग्स में एंटर कर गया, ठीक है, और इस आर्टरी को हम लोग क्या नाम देंगे, इस आर्टरी को, सॉरी, इस ब्लड वेसल को हम लोग क्या नाम देंगे, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी में CO2 पहुंच गया आपका, ठीक। अब इसके बाद CO2 पहुंच गया तो अब यहाँ पे क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, ये लंग्स है तो लंग्स में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक, गैस का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होने का क्या मतलब हुआ, गैस का एक्सचेंज होने का क्या मतलब, अब रेड मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि अब जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पढ़ेंगे, ठीक। अब इससे क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स में जो हैं
क्या हुआ, लंग्स के सहारे CO2 बाहर चले गई और ऑक्सीजन अंदर आई और गैसेस का एक्सचेंज हुआ, और फिर इसके बाद लंग्स से दो और एक्स्ट्रा पाइप आई जो कि क्या कहलाई, जो कहलाई पल्मोनरी वेन। ठीक है, अपोजिट देखिए, वेन का काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना, ठीक है, लेकिन लंग्स से जो पाइप आ रही है हार्ट के पास वो कैसी है, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन के पास क्या होता है, पल्मोनरी वेन के पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये वेन जैसे ही आएंगी आपकी कहाँ पे, देखिए मैं इसको कॉम्प्लिकेशन ना इसलिए मिला देता हूँ एक ही में, और ये आपका ओपन कहाँ होंगी, ये ओपन होंगी आपका लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, ये कहाँ ओपन होंगी, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में। अब जैसे ये लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होंगी तो फिर से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब सेम कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकल में ही हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए अब मैं बारी बारी से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए लेफ्ट ऑरिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये क्या करेंगे, बाइकस्पिड वेल्व के सहारे एंटर कर देंगे कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ ओपन हो जाएंगी, राइट वेंट्रिकल में। फिर अब देखिए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो वेंट्रिकल का काम क्या है कि यहाँ पे देखिए इसके पास थिक वॉल्स है, तो आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगेंगी, और ये क्या करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका वेंट्रिकल, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे, यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होगा जिसका हम लोग नाम दिए थे सेमी ल्यूनर ऑर्टिक वेल्व, याद है आपको। ठीक, तो ये वेल्व क्या होगा, ये वेल्व पूरा ओपन हो करके, ठीक है, ये वेल्व पूरा ओपन होकर के कहाँ चला जाएगा, बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, और ये वेल्व ओपन होगा किसके बीच में, और पूरे बॉडी में कौन आएगा, कौन ब्लड पहुंचाता है ब्लड से, हार्ट से, वो है ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा आगे चल के डिवाइड हो जाएगा किस में, आर्टरी में। ठीक है, ऑर्टा आगे चल के डिवाइड हो जाता है आर्टरी में। ठीक, तो देखिए अब इसका एक ओवरव्यू ऐसे कर लेते हैं। ठीक, जैसे ही ऑर्टा में ब्लड पहुंचेगा तो ऑर्टा क्या कर देगा, आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और आर्टरी पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर अब इसका एक वो बनाते हैं शॉट। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में आएगा, फिर राइट ऑरिकल के बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर इसके बाद राइट वेंट्रिकल ओपन होगा एक ब्लड वेसल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ओपन होगा किसमें, एक ब्लड वेसल में, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है किसके पास है, पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स के पास। ठीक है, और लंग्स के पास क्या होता है, गैस का एक्सचेंज। ठीक है, गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हुआ तो लंग्स से आपका क्या, लंग्स से भी क्या होगा, ब्लड वेसल्स निकलता है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। क्या नाम है उसका, पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन आती कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में। ये ओपन कहाँ होगी, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, अब ये लेफ्ट ऑरिकल कहाँ ओपन होगा, लेफ्ट ऑरिकल कहाँ ओपन होगा, ये ओपन होगा राइट ऑरिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये ओपन हुआ राइट वेंट्रिकल में। अब फिर राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करके भेज देगा किस में, aorta में। ठीक है,
ओर्टा में, और ये ओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसमें, आर्टरीज में, और ये आर्टरीज सप्लाई करेंगी क्या, सप्लाई करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये था पूरा स्टेप। ठीक है, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ, राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर ये जाएगा कहाँ, लंग्स के पास, फिर यहाँ पे होगा गैस का एक्सचेंज, फिर लंग्स क्या करेंगे पल्मोनरी वेन को भेज देंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए, डबल सर्कुलेशन हम लोग के बॉडी में होता है, ह्यूमन बींग में डबल सर्कुलेशन होता है। ये डबल सर्कुलेशन हुआ कैसे, देखिए, ब्लड जो ब्लड है वो हार्ट में पहले राइट साइड आया, ठीक है, राइट साइड आया, फिर गया लंग्स के पास, फिर लंग्स के बाद फिर ये आया हार्ट के पास लेफ्ट साइड में, फिर पूरे बॉडी में पंप हुआ। ठीक है, तो देखिए, ब्लड जो है पहले हार्ट में आया, ठीक है, हार्ट से गया किसके पास, लंग्स के पास, ठीक है, फिर लंग्स के बाद फिर से ये कहाँ गया, हार्ट के पास, ठीक है, फिर हार्ट ने पंप किया, फिर ये कहाँ भेजा, पूरे बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हार्ट के पास ब्लड जो है दो बार आ रहा है, और इसी वजह से हम लोग इसको नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक, तो ये था आज हम लोग का सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब आगे की वीडियो हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।